शाक्य नवाज खान है। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ, पिताजी इसी फ्लैट में रहते थे जब तक डेथ हो चुकी थी। उसके बाद बुक शांति पे छिल गई, डेथ हुई सीने पे बुक कर दी। जिस पेड़ की छाँव में बैठे हो बशर थक कर, शायद के उसे कल तुम खुद काट के फेंकोगे, खुद काट के फेंकोगे। तो ये है आज का इंसान। प्रॉब्लम यह है कि नई नई दौलत बहुत से लोगों के पास आई है, तो उसको वो संभाल नहीं सक रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए। आ गया बहुत आ गया, तो अब उसको बताते फिरना है तो कुछ भी कर सकते हैं। नए दौलत आई तो उनके पास बच्चा निकला, तो उसने समझा कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, जो दिल में आया वो करे। ये जो हुआ है इसकी वजह से मुश्किल है, इसकी वजह से ज़्यादा मुश्किल है। चांद तक भी पहुंच ही जाओगे, चांद तक भी पहुंच ही जाओगे, पहले इंसान तक तो पहुंचे आप। जब तक आप जो बोलते हैं और जो करते हैं वो दोनों में जब तक एकसानियत नहीं आएगी, दोनों एक नहीं होंगे, उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। बस खाली आप बातें बातें रहती हैं। बहते पानी की तरह दर्द की भी शक्ल नहीं, बहते पानी की तरह दर्द की भी शक्ल नहीं, जब भी मिलता है नया रूप हुआ करता है। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आती है कि आज नहीं तो कल खुद यंग जनरेशन की भी समझ में आएगा कि वो पहले अपने आप को पहचाने, वो कौन है, उनका हेरिटेज क्या है, उनकी परंपराएं क्या हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, ये सोचना उनको खुद है। और आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। और एक ये जो है किनारों को पकड़ा हुआ जो ये आशिकी का या मोहब्बत का एक सजेशन है कि किस तरह किनारों को है सीने से लगाए, किस तरह किनारों को है सीने से लगाए, ठहरे हुए पानी की अदा तुम भी तो देखो। ठीक है, अगर कभी आपने उसको खुदा का जलवा किसी पत्थर में देखा, आप अगर कभी बस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो कोई उसमें वो नहीं है, यही अपनी सूफिया का कहना है कि जिंदगी का मकसद ही ये है कि आदमी आदमी को पहचाने। मेरे पास कभी भी पैसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रहा, नेवर। मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा भी नहीं, बात भी नहीं की। ज़रूरत जितनी है उतना कमा लें। लेकिन यह है कि आप कोई ऐसा काम करें कि लोगों को याद रहे, कुछ लोग खुश हो जाएं उसको देखकर, कुछ लोगों को ऐसा मालूम हो कि भाई वाकई अच्छा एक अच्छा काम हुआ है, और ख़ुद आपको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो। पैसा तो कोई भी कमाता है। अभी तो हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ रुपये तो करप्शन में लोगों ने कमा लिए हैं, हज़ारों करोड़। तो ऐसे लोगों का तो ठीक है, आएंगे भी जाएंगे भी, थोड़े दिन तक बड़े आदमी भी कहलाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो टिकेंगे थोड़ी। एक इंसान ही नहीं दिखता आजकल, सब दिखता है पर इंसान नहीं दिखता, एक सच्चा इंसान नहीं दिखता। बशर के मानी इंसान है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्या क्या छोड़ के आए यहाँ तक और क्या छोड़ के जाएंगे, तन्हाई में कितनी यादें आके सताती रहती हैं। अभी तक उन्होंने पाँच से सात फिल्मों में गाने लिखे, बाजार सुना गाने, करूँगा यार, तेरे शहर में करूँगा यार, बाजार का बहुत फेमस गाना, मुझे भी वो बहुत पसंद। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की
हर मौज ठहरे। मैं जो सोच रखता हूँ मतलब जो मैं करना चाह रहा हूँ उनको पसंद आया था, पर सबसे बुरी बात ये है या मेरे लिए सबसे सैड चीज ये है कि इतना अच्छा जो मैंने किया वो मैं उनको दिखा नहीं पाया, मैं उनको फोटोज दिखा नहीं पाया। वो देखते थे स्क्रीन में मतलब कैमरा के पीछे, अरे अच्छा अच्छा निकालो, तो उनको अच्छा लगता था कि चलो अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। तुझको हर रंग में हर रूप में देखा हमने, जिंदगी तुझको बड़े टूट के चाहा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्ता सुनाएगी, उदास राह कोई दास्ता सुनाएगी, करोगे या